हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे इस वीडियो का, जिसमें हम टेबुलेशन फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, जो डाटा था हमारा, अब उसको हम टेबल में कैसे लाएं। ठीक है, कैसे डाटा को, जो अनग्रुप्ड डाटा होता है हमारा, ठीक है, उसको कैसे ग्रुपिंग करते हैं हम, कैसे क्लास इंटरवल को यूज़ करते हैं और उसको ग्राफिकली कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम चलो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि डाटा क्या होता है, डाटा की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने पढ़ा था नीड ऑफ डाटा, फिर पढ़ा था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर डाटा के सोर्सेस पढ़े थे, प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस। आज हम पढ़ेंगे कि टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि जो डाटा जो हमारा होता है उसकी टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होती है। सबसे पहली चीज़ जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो प्राइमरी सोर्स से हो या वो सेकेंडरी सोर्स से हो, वो क्या होता है, अनग्रुप्ड होता है। ठीक है, वो उसको कोई हम किसी टेबल में या किसी टेक्निक के द्वारा हम उसे ग्रुप्ड नहीं करते हैं, हम उसे क्लासिफाई नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होती है, ये जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होती है वो एक जम्बल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। हम इसको क्या बोलते हैं, जम्बल्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जम्बल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। अब इस जम्बल्ड इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, टू मेक मीनिंगफुल, हम क्या करते हैं, इस डाटा को हम क्या करते हैं, टेबल्स के फॉर्म में बनाते हैं, टेबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि ये डाटा क्या हो सके, मीनिंगफुल बन सके। अब बात आती है कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम प्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिकल टेबल के द्वारा। हम किसका यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेबल का हम यूज करते हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल में कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल टेबल, तो स्टैटिस्टिकल टेबल इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रोज। ये क्या है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है डाटा का, किसके जरिए, रोज और कॉलम्स के जरिए एक सिस्टमैटिक क्या है, ये अरेंजमेंट है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है वो है पर्पस ऑफ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ टेबल। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेबल, या क्वेश्चन आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेबल, या आ सकता है इम्पॉर्टेंस ऑफ टेबल, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं जो यहाँ पर पॉइंट बता रहा हूँ उन पॉइंट्स को ही आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि पर्पस क्या होता है टेबल का। तो सबसे पहली चीज आती है टू सिंप्लीफाई द डाटा, डाटा को क्या करना, सिंप्लीफाई करना। जो भी डाटा हमारे पास अनग्रुप फॉर्म में था उसको ग्रुप फॉर्म में करके हम क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं टेबल के जरिए। सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है वो क्या होती है, फैसिलिटेट कंपेरिजन्स। अब जो कंपेरिजन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है हमारी, ठीक है, यहां पर हमने क्या कर दिया, सेक्स रेशियो ले लिया, लिटरेसी रेट ले लिया। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जो टेबल्स होती हैं वो एक फिनोमेना को क्या कर देती हैं, कंपैरिजन करने में फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, आसान कर देती हैं किसी भी चीज को कंपैरिजन। ठीक है, अगली जो चीज आती है हमारी, जो अगली इंपॉर्टेंस है हमारी, वो है टू लोकेट
द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन क्विकली. टू लोकेट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन क्विकली. फॉर एग्जाम्पल सेक्स रेशियो में अगर यहां पर ईयर दे दी गई हो, यहां पर हमारे ईयर दे दी हो, यहां पर जैसे दे दी 1991, ठीक है, यहां पर दे दिया 1992, 1993, so on, ठीक है. तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 1992 में कितनी थी सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट 1991 में कितनी थी. हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास डाटा कितना है, हम उसमें से देखें. तो टेबल एक चीज करती है कि वो उस चीज को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को क्विकली बताती है कि अगर हमें किसी ने पूछा कि लिटरेसी रेट 1991 में कितना था, तो हम हाल बता देंगे यहां से देख के कि ये इतना था. तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंस होती है. तो ये हमने जो पढ़ी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इंपॉर्टेंस थी टेबल्स की, ठीक है. इनको आप एग्जाम, जो प्रैक्टिकल आपका एग्जाम होगा उसमें आप इसको लिख सकते हैं. तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है डाटा कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है. डाटा को कैसे कंपाइल करा जाए और डाटा को कैसे प्रेजेंट करा जाए. तो हमारे जो सिलेबस है उसमें तीन तरीके की टाइप्स दी गई हैं कि डाटा को कैसे कंपाइल करा जाए. तो सबसे पहला जो है हमारा वो है एब्सोल्यूट डाटा, ठीक है. इसका जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि रॉ डाटा, जो डाटा हमने कलेक्ट करा उसको सीधा हमने प्रेजेंट कर दिया टेबल्स के फॉर्म में. जैसे कि आप बुक में देख रहे होंगे कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन सिलेक्टेड स्टेट्स यूनियन टेरिटरी 2011 की जो पॉपुलेशन दी गई है उसमें पर्संस मेल्स फीमेल्स को कैसे टेबल में दिखाया गया है. अगर ये रॉ डाटा अगर हम टेबल्स के द्वारा नहीं दिखाते तो हम कह देते कि जम्मू कश्मीर में इतनी पॉपुलेशन है, हिमाचल प्रदेश में इतनी पॉपुलेशन है, उसमें हम मेल्स और फीमेल्स का बारे में हम कुछ जानकारी दे ही नहीं पाते. इसलिए डाटा हमें ये एक अच्छी इम्पोर्टेंस है डाटा की कि वो हमें हर चीज को, हर कंपेरिजन को फैसिलेट करता है. तो वो हम सबसे पहला टाइप हमारा हो गया एब्सोल्यूट डाटा, जो क्या होती है, रॉ डाटा होती है, जैसे कि आप टेबल में देख रहे होंगे. सेकंड फॉर्म आती है हमारी परसेंटेज या फिर रेशियो. परसेंटेज और रेशियो में क्या होता है हमारा कि जो भी कोई भी फिनोमेना हो, जैसे कि लिटरेसी रेट हो गया हमारा, ठीक है, या पॉपुलेशन हो गया, रेट ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो गया, तो इन सब को हम क्या करते हैं, टेबल्स में परसेंटेज में शो करते हैं, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लिटरेसी रेट है हमारा, उसमें अगर हमें परसेंटेज से शो करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल लिटरेट अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100. अब इस फॉर्मूले को लगाकर हम टेबल में शो कर सकते हैं कि परसेंटेज में कितनी पॉपुलेशन किस ईयर में है. जैसे कि आप टेबल में देख रहे होंगे 1951 में जो परसेंटेज शो करी गई है पर्संस मेल फीमेल्स की, उससे ये पता लगा जा सकता है कि लिटरेसी रेट परसेंट में भी शो करा जा सकता है. तो ये दूसरा मेथड हो गया. जो तीसरा मेथड आता है हमारे सामने वो है इंडेक्स नंबर. अब इंडेक्स नंबर होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. इंडेक्स नंबर पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए. तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये अगर आ गया, एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस इन वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ज्योग्राफिक लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. जो इंडेक्स नंबर होता है वो हमें एक चेंज शो करता है. चेंज शो किसका करता है, लोकेशन का, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो होती है हमारी, या फिर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है, वो हमारी इंडेक्स नंबर शो करता है, ठीक है. अब इंडेक्स नंबर की इंपॉर्टेंस पूछी जाती है तो वो इंपॉर्टेंस आपको बताता हूँ. अब एग्जाम में क्वेश्चन आया है कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर. तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो अभी मैंने आपको बताई कि इट शोज चेंज इन वेरिएबल्स
जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें चेंज दिखाती है विद टाइम, टाइम के साथ साथ जो चेंजेस हो गए। अब किसके किस कौन से वेरिएबल्स हम कह सकते हैं कि वो ज्योग्राफिकल लोकेशन हो सकती है हमारी, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, और भी अदर फिनोमेनाज हो गए। अब ये तो एक एग्जांपल हो गए, ज्योग्राफिकल लोकेशन आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जो इंडेक्स नंबर है जो हमारा, वो हमारा इकोनॉमिक्स में भी ज्यादा यूज करा जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर का ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन को देखने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन को देखने के लिए ऑफ एनी इंडस्ट्री या एनी सिटी, ठीक है, किसी भी सिटी या किसी इंडस्ट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को देखने के लिए इंडेक्स नंबर यूज करा जाता है। थर्ड थिंग यहां पर आती है कि जो बिजनेसेस होते हैं वहां पर प्राइस और क्वांटिटी के चेंजेस को देखने के लिए इंडेक्स नंबर यूज करा जाता है इन बिजनेस, द चेंज ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है, इसके लिए इंडेक्स नंबर का यूज होता है। तो आप ये सारी इंपॉर्टेंस लिख लीजिए, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। बेस ईयर मान लिया, अब हम बेस ईयर को रखते हुए 2021 की पॉपुलेशन निकाल लेंगे, और जो Q1 होती है हमारी, वो हमारी होती है करंट ईयर, ये होती है हमारी करंट ईयर, और ये होती है हमारी बेस ईयर, ठीक है। आप फर्क समझ गए होंगे बेस ईयर और करंट ईयर, इसके बेसिस पर हम इंडेक्स नंबर से हम किसी भी फिनोमेना का चेंज निकालते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा ऑफ Q1 अपॉन सिग्मा ऑफ Q0 इंटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इंडेक्स नंबर का। अब इसमें Q1 और Q0 की का मतलब क्या है, ठीक है, जो Q0 सिग्मा ऑफ Q0 है वो हमारी एक बेस ईयर होती है, ठीक है, बेस ईयर जो अभी तक जो हमारे सेंसस होते आ रहे हैं, हम उसमें क्या करते हैं कि जो हमारी बेस ईयर होती है, फॉर एग्जांपल 2021 में हमारी सेंसस हुई, तो हम बेस ईयर किसको ले लेंगे, जब से हमारे इलेक्शन स्टार्ट हुए हम उसको बेस ईयर मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे बेस ईयर जैसे हमने मान के चले 1872 को, हम 1881 को हमने क्या मान लिया, बेस ईयर मान लिया। हमारे सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा को क्लासिफाई करने के क्या प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये आती है हमारे पास कि जो डाटा हमारे पास है वो किस तरीके से है। फॉर एग्जांपल जब हम डाटा को रखते हैं किसी भी क्लास का, अगर हम देख लें, अगर हम किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स से इसको देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐसे ही डाटा के फॉर्म में किसी भी टेबल में ऐसे ही लिख लेते हैं, बिना किसी सोचे समझे, किसी के 2 मार्क्स है, किसी के 10 मार्क्स है, किसी के 8 मार्क्स है, किसी के 15 है, किसी के 20 है, ऐसे हम लिख लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, हमने डाटा को क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। अब हमें, अब ये डाटा क्या है, अनग्रुप्ड है। हमने अभी पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में डाटा को लिखते हैं, जिससे कि वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इस डाटा को टेबल फॉर्म में लिखेंगे। तो टेबल फॉर्म में किस तरीके से हम डाटा को लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां पर आती है कि जब भी हम कोई भी टेबल यहां पर बनाते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसमें कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं हम क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल में हम क्या करते हैं कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर 0 से 10 तक के बीच में किसी भी कोई भी मार्क्स आया हो तो वो हम क्या कर देंगे इस क्लास इंटरवल में दिखाते जाएंगे। जैसे कि 0 से 10 के बीच में, अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, उसके बाद 0 से 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स है, 20 से 30 के बीच में स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, 30 से 40 के बीच में, 40 से 50 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, वो हम क्या करते हैं क्लास इंटरवल की में शो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है वो आती है नंबर ऑफ मार्क्स की, नंबर्स कितने मिले नंबर्स। ठीक है, वो हम क्या इसमें इसके सामने लिखते हैं 0 से 10 के बीच में कितने नंबर्स मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को 2 मार्क्स मिले, ठीक है, किसी को 10 मार्क्स मिले, सॉरी 10 के अंदर अंदर लिखना ना 0 से 10 के बीच में, तो किसी को 9 मार्क्स मिले, किसी को 8 मिले, ठीक है, किसी को 5 मार्क्स मिले, किसी को 4 मिले, ठीक है, तो ऐसे लिख देना है हमें। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके टैली मार्क्स बनाने हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम उसके क्या बना लें, टैली मार्क्स बना लें, जिसको हम क्या कहते हैं एक 4N क्रॉस मेथड भी कहते हैं इसको, टैली मार्क्स को। इसमें क्या करते हैं हम जितने फिगर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उनके हम टैली मार्क्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 फिगर लिखे हुए हैं 2 9 8 5 and 4, तो हम इसके क्या करेंगे उतने ही हम यहाँ पर टैली मार्क्स बनाएंगे। जैसे 1 2 3 4 और 5 जो होगा हमारा ऐसे जाएगा। अब इसके बाद जो चौथी चीज जो हमें करनी होती है वो क्या होती है, हमारी आती है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है हमारी। फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर हमने जो टैली मार्क बनाए थे, जैसे 5 टैली मार्क्स बनाए हमने 1 2 3 and 4 and 5, तो वही हम यहाँ पर ऐसे सीधे सीधे लिख देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है यहाँ पर। जैसे कि आपकी एक बुक में बनी हुई है मेकिंग टैली मार्क्स टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी, आपको सीधे सीधे ऐसे करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, इस फ्रीक्वेंसी को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल करना है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, जैसे 10 आ गई यहाँ पर 15 आ गई, इसको पूरा टोटल करने के बाद यहाँ पर होता है आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल जो n के इक्वल होता है, इसको n भी लिखा जाता है और सिग्मा f भी लिखा जाता है, कुछ भी टोटल आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया फ्रीक्वेंसी मेथड। इसके बाद जो सेकंड थिंग आती है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी, एक होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी अभी हमने पढ़ी थी फ्रीक्वेंसी, इसमें सीधे सीधे हम फिगर्स को लिखते जाते हैं टोटल करके यहाँ से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ इस प्रकार से लिखी गई हो फ्रीक्वेंसी, जैसे कि यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम टोटल करते हैं फ्रीक्वेंसी का, वही जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब हम आते हैं तो इसके जो यहाँ वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी जो 25 के सामने वाली, वही इसका टोटल होगा पूरा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर जो हम जब टोटल करेंगे, इसका जो टोटल आएगा 75, जो टोटल यहाँ पर आया हमारे सामने, ठीक है, 75 जो टोटल यहाँ पर आया, इसको हम क्या करेंगे, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से दिखाएंगे। सबसे पहले जो 5 के सामने जो रहता है वो 5 ही होता है, 5 से फिर 10 प्लस होगा तो 15 हो गया, फिर 15 से 15 प्लस हो गया तो 30 हो गया, 30 से 20 प्लस हुआ तो 50 हो गया, 50 से 25 प्लस हुआ तो 75। तो ये दिखाता है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी होती है, जो टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का, वो सेम होता है। तो ये कम्युलेटिव और सिंपल फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। अगली चीज आती है हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें जो इस साइड जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो हमने अभी टेबल में पढ़ा था कि एक साइड हम
क्लास इंटरवल पढ़ते हैं, क्लास इंटरवल फिर उसके बाद हम फ्रिक्वेंसी पढ़ते हैं, और फिर हमारा जो आती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल जो है हम इधर पर लिखते हैं मार्क्स ऑब्टेंड में, जो नीचे जो बेस होता है हमारा उस पर हम लिखते हैं क्लास इंटरवल, और जो वर्टिकल साइड होती है जो हमारी वहां पर हम लिखते हैं फ्रिक्वेंसी, और फिर इसको हम ग्राफ के मदद से शो करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। इसी प्रकार से जो सी एफ होती है हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, उसको हम इस जो जो लाइन ग्राफ आप देख रहे हैं इसको हम ओजाइव कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो लाइन ग्राफ जो आपके सामने है उसको हम कहते हैं ओजाइव। तो हम इस ओजाइव की मदद से इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ओजाइव के बारे में अगर बताएं तो ओजाइव को दो तरीके से शो करा जा सकता है, एक मोर देन ग्राफ से, मोर देन और लेस देन ग्राफ के मदद से शो करा जाता है। अब ये मोर देन और लेस देन ग्राफ क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूं। अब यहां पर चीज आती है कि लेस देन और मोर देन क्या होता है, ठीक है। तो लेस देन का मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम क्या पढ़ रहे थे क्लास इंटरवल में कि 0 से 10, फिर उसके बाद पढ़ रहे थे 10 से 20, जैसे पढ़ रहे थे ना 0 से 10, फिर पढ़ा हमने 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यही पढ़ रहे थे अभी हम। अब क्वेश्चन आ गया ऐसा लिखा हुआ, अब क्या करें कि लेस देन में लेस देन 10 है, इसको कैसे बनाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, देखिए जो 0 से 10 जो ये चीज है ना वही लेस देन 10 और मोर देन 0 के बराबर है। फॉर एग्जांपल लेस देन 10 है, 0 से 10 के जो इंटरवल होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो 10 से जो छोटी वैल्यू है और 0 से जो बड़ी वैल्यू है उनको ही रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, मोर देन 0, बात आ गई ना, वही 0 से बड़ी वैल्यू, 10 से कम वैल्यू मतलब लेस देन 10। वैसे ही अगर हम देखें तो 10 to 20, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं 10 से बड़ी वैल्यू और 20 से छोटी वैल्यू, मतलब कि लेस देन 20 और मोर देन 10, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो यही चीज यहां पर करी जाती है, और फिर इसको हम क्लास इंटरवल में चेंज कर देते हैं। ये भी क्लास इंटरवल ही कहलाता है लेकिन ये लेस देन और मोर देन में कहलाता है। जो ये जो नंबर वाला जो होता है इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, और इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव, ठीक है। जो एक्सक्लूसिव फॉर्म होता है, आपको दोनों में घबराना नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।